जय सही रनिया कमर को चोट लगे जय सन जिनिया कमर को चोट लगे जय सन जिनिया अंदर सच्चा मुखे और तोहरा बदनवा ही बदनिया जान मिस्त्रा नहीं मानोगी रानी। मैं समझ गई कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ। सत्य सत्य तुम्हारी कसम। मेरी कसम तो हरबरी कसम खाओ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ नहीं बोलती हूँ। नहीं यहाँ। हाँ यहाँ। इसका मतलब मान गई। अरे तो पहले बता दिया होता मेरी रानी। लेकिन अपना हाथ दूर रखना। हाँ ठीक है। हाँ राजा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ए राजा, कहा तो थोड़ा से मालिश कर दूँ। मालिश? हाँ, मेरा सर में दर्द, मालिश कर जरा। पाँव में दर्द हो रहा है। पाँव दबा दे, मेरा सर दबा दे। सच? तो फिर ठीक है, मैं दबा रही हूँ। ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम पे दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना के निभा, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, दूर नहीं। अरे प्यारे हीरा भैया, बहुत तरसत रहे जवान, बहुत दिन से तरसत रहे बात का। सबके नसीब में सब नहीं है, जी के भाग तेज है वही के नसीब में है। तुहार किस्मत जाता तेज जवान। किसी से बताना नहीं कि साली जूते से मार के जा रही है। किसी से बताना नहीं, ठीक है? हम क्यों से बताओ ना, कहीं भले दिए भाई। बताना कहना एक होता है बतानी। सुने, ये बहुत बड़ा जंगल है, मेरे हाथ से बचेगी नहीं, हम इसे दबा दबा के मारेंगे। ये मामा जी, चलो जो सामने घना जंगल है उसी जंगल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं मामा, चलती है। तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। और अब तुझे दबा दबा के मार। कहा तो थोड़ा सी और मालिश कर। अरे कमीने, कर रहा है कैसा कमीने, कर रहा और कैसा अत्याचार, और लड़की का तो खेल कर बना लेती नकार।
बीच पहले ये बोल इस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है। बोल शादी हुई है शादी हाँ इसके साथ तेरी शादी हाँ ये एक बच्चे की माँ है एक बच्चे की माँ हाँ मैं एक बच्चे का बाप हूँ और ये नाराज है हम इसे मना रहे भैया। खैर कोई बात नहीं आपसे मामला भैया इसका मतलब हम सबे गलत दिखा पाएगी का हो एक महीने का बच्चा है। अरे चुप रहो यार एक महीना में बाबा करता हूँ हम समझे क्या मैं बाबा करता हूँ भैया इसके मतलब हम हूँ सब आ जाता हम भाई या के मतलब गलत दिखा पाएगी दिल पुरानी झगड़ा माँ खतरा मामा जी आओ हम लोग यहाँ चलते हैं आपसे मामला है। चलो भांजी सही बात है चलिए बाबूजी चलिए ये कमीना झूठ बोल रहा है ये मेरा कोई नहीं है ये तो मेरी इज्जत खेलना चाहता है मुझे बचा लीजिए। भैया आप हमें समझ में आएगा कुछ दाल में काला दिखाता है ये बोल कि तेरा शुभ नाम क्या है। वैसे तो तेरी काली काली आंखें बता रही थी जैसे कोई चोर लुटेरा होगा। जब राजी नहीं तो चौथे है। चल मरने के लिए तैयार हो जा ए लाखन के बच्चे तैयार हो जा। अरे बाबा अभी लेना तो साले तेरी जान चली जाएगी चल उतार साले तेरी रुक जा दादा रुक बोल जाओ अपने आप को डाकू कहलाता है और दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार कमाता है। हराम हे क्या रे हे क्या है राजकुमारी जी इसके लिए क्या आदेश है। मैम साहब बेतुका मारते हम तो बेतुका नहीं मर पाए उड़ जाओ कर दो घुस मरे जाओ मारो पियल का तुम अब भाई आराम आराम से मारो तो चलो चल संभाल तो ठीक है जो समझ पाला हाँ मत मारिए भैया मत मारिए मारिए जब तुम्हें दासा दी तो कांप उठाओ Thank you.
मामा जी, हाँ जी? इसके हाथ में पहले हथकड़ी लगाओ। मारी जी, इसके लिए क्या आदेश है बाबूजी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बोलिए। तुम दोनों का उम्र भरी मानूंगी एहसान, तुम दोनों का उम्र भरी मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरे मामा जी हैं। मैं अपने मामा जी के साथ इस जंगल में आखिर करने आए थे, अचानक आपकी आवाज सुना या आप पहुंचे, इसमें एहसान की क्या बात है बाबूजी? आपसे आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना बोलिए। आपके पापड़ी जिस घड़ी आपके आपसे मेरी विनती यही है, सुनो साथ में इस निध को महल। मामा जी, राजकुमारी ने जो कहा आपने सुना? हाँ भाई सुना। सुनो मामा, तुम्हारी राय क्या है? राजकुमारी, चलो साथ चलता हूँ मैं, मामा जी आप वहां चले झोपड़ी, लाखन सिंह तुम चलो अब मेरे साथ में, सरकसी का मजा चखाऊं। राजकुमारी के संग जाओ बादल महल, अरे समय भाग के चल रहा झोपड़ी, शाम होने से पहले और तुम आना चले, मुंतजिर आके हर दम रहेगी। याद रहे शाम होने से पहले झोपड़ी जरूर चले आना। क्यों नहीं मामा? ये तो जानते हो तुम्हारी माँ खाना नहीं खाएगी। मानता हूँ मामा जी, मानता हूँ। मैं इतरा दरबार पहुंचा कर बहुत जल्द वापस झोपड़ी आऊंगा। खुश रहो भांजी। अरे ठीक है ठीक है, बहुत जल्द आऊंगा। हाँ जब तक न हो तो दरबार में खाना खा बना और निकाल ले जाओ घोड़ा से बोले के। मारना मत, मारना मत, रहन दे रहन दे रहन दे। राजकुमारी चलिए मैं इसे लेकर आता हूँ।
बात है कि हमार हौजा ऊपर है, अब हम दरबार में ड्यूटी घोड़ा काम हो लखाता हो, ये ड्यूटी अकेले हम दीत यहाँ कौनी में हरे आदि बहुत गता किनरे बगलू नहीं गिनाई के आदि बहुत गता किनरे बगलू नहीं गिनाई के चाहता हूँ तो मर जाता तो बहुत अच्छा रहा। अरे भैया का करी तुहार, जब से का नाम हो देखता है ना, तब से हमें दाना नहीं मिलता है। आओ बैठो, चलो आइए बेटी, आइए। बेटी मैना, मैं क्या देख रहा हूं, ये कैदी और ये नौजवान कौन है? पिताजी मैं बता रही हूं, पिताजी जंगल में मैं आखेर करने गई थी, जंगल में मैं आखेर कर रही थी, जब तक ये नीच वहां पहुंच गया, ये मेरे सोने का हाथ छीनना चाहा पिताजी, और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जब तक मैं बचा बचा के वाद दी, जब तक ये नौजवान आकर के मेरी जान को बचाए पिताजी। क्या कहा बेटी, ये तुम्हारा हाथ छीन रहा था, क्या नाम है इसका? पिताजी इसका नाम है डाकू लाखन सिंह। डाकू लाखन सिंह, खबरदार दरबारी सिपाही लोहा सिंह को हाजिर किया जाए। क्या देख रहा है बेटी मैना, ये कमीना डाकू है, इसका नाम लाखन सिंह है, और बचाया ये लड़का, क्या नाम है इसका? महाराज मैं आपकी आप